राजधानी रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के बैनर तले चल रहे आंदोलन में विधवाओं का कहना है कि सरकार या तो नियुक्ति दे या इस दुख भरे जीवन से मुक्ति दे। सरकार अगर कोई निर्णय नहीं ले सकती है तो हम सभी पीड़ित विधवा महिलाओं को जल समाधि लेने दें। ज्ञात हो कि बीते मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आंदोलनरत विधवाएं एक साथ बूढ़ा तालाब में जल समाधि लेने के लिए छलांग लगा दी। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस कर्मियों ने पानी में उतरकर पीड़ितों को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर जल समाधि लेने से रोकने में कामयाब हुए। मगर बड़ा सवाल है कि आखिरकार राज्य सरकार हजारों लाखों लोगों को नौकरी देने की बात करती है, वहीं हजारों संविदा तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बातें भी कह रही है। ऐसे में सिर्फ 1200 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने में सरकार को तकलीफ अथवा दिक्कत क्यों महसूस हो रही है? ऐसा भी तो नहीं है कि विभागों में रिक्त पद नहीं है। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कमेटी गठित की गई है, रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है, जल्द ही इस पर दिशा निर्देश दिया जाएगा। मगर ये दिशा निर्देश कब जारी किया जाएगा, इसका उत्तर मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। इस पर पूरी सरकार मौन है, कोई कुछ भी बोलने अथवा बताने को तैयार नहीं है। सब रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं कि जल्द ही इस पर भी निर्णय आएगा, यानी निर्णय लेंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। इस पर कोई कैसे विश्वास करेगा कि सरकार इस वर्ष या अगले वर्ष या फिर उसके अगले वर्ष कोई फैसला लेने के लिए तैयार है। हर बात में विरोधाभास है। पहेलियां बुझाने की बजाय उन गरीब विधवा महिलाओं बहु बेटियों की चिंता क्यों नहीं की जा रही है जो महीनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान कई बार कुछ एक महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई थी जिनका उपचार किया गया। ऐसी परिस्थिति क्यों बनने दिया जा रहा जिससे लोगों का हित अथवा नुकसान हो सकता है? पीड़ितों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना चाहिए ताकि वे सभी भी अपने परिवार के पास जाकर सुख शांति के साथ जीवन यापन कर सकें। आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार तो पुलिस प्रशासन ने हम सभी को रोक लिया, लेकिन 3 दिसंबर को नहीं रोक पाएंगे। हम सभी जल समाधि ले ही लेंगे, हो सकता है इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आंखें खुल जाए। क्या सरकार और मुख्यमंत्री 2-4 पीड़ितों द्वारा यह लीला समाप्त कर लेने का इंतजार कर रहे हैं? हालात तो ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए रैली निकाली गई थी, बावजूद इसके अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ की प्रांताध्यक्ष माधुरी मृगे व उपाध्यक्ष माधुरी चंद्रा ने बताया कि सरकार ने 1 जुलाई 2018 के पहले मृत शिक्षाकर्मियों के परिवारों को अनुकंपा देने से मना कर दिया है। ऐसे में उन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। सरकार ने डीएड बी एड का प्रावधान रखा है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर चल रहे आंदोलन में रायपुर सहित कोरबा, रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, महासमुंद आदि स्थानों से दिवंगत शिक्षाकर्मियों की पत्नियां शामिल हुई है। आने वाले दिनों में आंदोलन को और वृहद स्तर पर चलाए जाने की योजना है। विदित हो कि उक्त संदर्भ में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F9/30/21/1/5 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 13 सितंबर 2021 के अनुसार मुख्यमंत्री के घोषणानुसार दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षण कर सुझाव एवं सेवा शर्त निर्धारित करने बाबत अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने का निर्देश था। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट मुख्यमंत्री को समय सीमा के भीतर ही सौंप दी गई है। हैरानी की बात है कि 8 माह पश्चात भी अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिवंगत शिक्षकों की विधवाएं समय समय पर जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों को मांग ज्ञापन पत्र सौंपने के अलावा शांतिपूर्वक धरने पर बैठ शासन का ध्यानाकर्षण कराती रही हैं। संगठन की महिला पदाधिकारियों ने कहा कि दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट अतिशीघ्र सार्वजनिक कराते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 1209 परिवार को योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान